आज से जो हिंदुस्तान में प्रेम करना छोड़ देगा लोग। प्रेम किसी से होता है, जवान में होता है, बुढ़ा में। प्रेम का कोई उम्र नहीं होता है, नजर लड़ती है प्रेम हो जाती है, क्या करेगा, हत्या कर देगा उसका। वो कह रहे हैं आपत्तिजनक स्थिति में, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऐसा हो आपत्तिजनक में, अब बताइए एक दूर दराज से लड़का आया तो क्या क्या करे, कपड़ा खोल करके चलता है। वो कह रहे हैं कि पति पत्नी में जो है कोई संबंध बनाता है तो उसको कोई नहीं देखता है। दूर दराज से आकर के कोई प्रेमी से प्रेम करता है तो क्या उसको आपत्तिजनक देख लिया? कितना दिन पहले कहा है उसका गार्जियन बोला। देखिए हम बहुत दूर से आए हैं आरती से मिलने, क्योंकि बराबर जो है ना से लगातार 10 दिन से जो है सो देख रहे हैं मोबाइल पर, तो सोचे कि जब दिन भर बैठले रहते घर में तो एक बार लड़की को देखे ना, इतना हिम्मत कौन जताया और प्रेम को इतना बड़ा सिरजने वाली कौन सी ऐसा लड़की है जिसको एक बार हम उनसे मिले। तो हम आए इनसे मिलने के लिए तो भीड़ भड़का बहुत था, हम अंदर गए, बगल में बैठे रो रही थी, उनको पूछे बेटा काहे रो रही, बोले कि जो चाची हम आपको नहीं पहचानते हैं। तो हम अपना परिचय उनको दिए तो बोली देखिए चाची हम बहुत ऐसा चीज हम खो गए हैं जो जीवन भर हमको होश नहीं होगा। हम बोले क्या हुआ बताइए तो हमको, हम लोग तो सबको जानबे करते लेकिन कुछ उससे बुलवाना चाहते थे। तो लड़की बोले जिससे हम प्रेम किए थे, हमारा प्रेम शुरू हुआ था और अंत ही हो गया, तो जो अंत किया है जो कातिल है जब तक उनको सजा नहीं मिलेगा हम दम नहीं बैठेंगे। हम उनको बोले पुलिस अभी सोई हुई है, पुलिस जो है सो अभी जो है इस पर कुछ विचार नहीं कर रही, हो सकता है खोज छानबीन में होगा। पुलिस की तहकीकात जो होता है सो बहुत बड़ा होता है, उसका हाथ बहुत लंबा है। अभी अगर कुछ नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? तो बोले जब कुछ दिन देखते हैं, जब नहीं होगा एसपी के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, अपनी विनती करेंगे जो छोटू का कातिल है मेरा प्रेमिका का उसको सजा मिले। जब उसको सजा नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ठीक है, जो छोटू के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके घर जाने पे, आरती के घर जाने पे उनकी दादी ये कहती है कि रात को 2 बजे वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। नहीं देखिए ये गलत बात है, कोई भी है कोई किसी से प्रेम करता है लड़का व लड़की तो किसी के दिखा के कुछ नहीं करता है, जो कहता हमने देखा तो वो भूल किया है, गलत है, क्रोधी है, क्रोध जब तक उसको नहीं था तो उसको मार कैसे दिया? कोई इंसान ऐसा परिवार में था जो विवेकी होता, विवेक से काम लेता, लड़का को पकड़ता, लड़का को गार्जियन को बुलवाता, उससे उसको दंड देता जो मेरे बेटी के साथ ऐसा क्यों करता है, बेटी उसका सपोर्ट करती, जब हम उसको बुलवाए हैं तो लड़का आजाद था। लड़की अगर कहती जो नहीं जबरन आया है तो लड़की लड़का को जो मन होता सो करता, सजा करता, केस करता, उस पर FIR होता, मेरे घर जबरन आया है ऐसा नहीं करके इसके मार दिया है, कहाँ की कानून है? जब एक लड़का को मार दिया तो क्या आज से जो हिंदुस्तान में प्रेम करना छोड़ देगा लोग? प्रेम किसी से होता है, जवान में होता है, बुढ़ा में। प्रेम का कोई उम्र नहीं होता है, नजर लड़ती है प्रेम हो जाती है, क्या करेगा, हत्या कर देगा उसका? प्रेम तक तो बात ठीक है, वो कह रहे हैं आपत्तिजनक स्थिति में, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऐसा हो आपत्तिजनक में, अब बताइए एक दूर दराज से लड़का आया तो क्या क्या करे, कपड़ा खोल करके चलता है? वो कह रहे हैं कि पति पत्नी में जो है कोई संबंध बनाता है तो उसको कोई नहीं देखता है। दूर दराज से आकर के कोई प्रेमी से प्रेम करता है तो क्या उसको आपत्तिजनक देख लिया? कितना दिन पहले कहा है उसका गार्जियन बोला, आज क्यों? क्योंकि उसका मन का भड़ास जो था ना वो जो है उस दिन झाड़ लिया, इसलिए लड़का के साथ ऐसा दुर्घटना का अंजाम दिया। वो कह रहे हैं रात को 2 बजे शादी की बात नहीं होती ऐसा। देखिए 2 बजे, देखिए लड़का भावुक था, कम उम्र का था, जिंदगी वो देखा कहाँ था, भविष्य मेरा क्या होगा कहाँ होगा। अगर लड़का थोड़ा सा भी उसको भनक लगता हम उस परिवार में जाएंगे मेरा हत्या हो जाएगा तो लड़का ऐसा नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों पे एक सवाल ये पूछेंगे कि 12-2 बजे जो गया उस चीज को आप कितना सही मानते? बस ये देखिए 12-2 हत्या को तो हम सुनिए मानते हैं, लेकिन उस चीज को देखिए 12-2 बजे जो गया लड़का, तो दूर दराज के लोग जो नजर जिसका दूर है वो जो सुनेगा सुना बात दुन्ना होता उसको तो खराब लगेगा ही, उसको तो खराब लगने करेगा। आरोपित है पवन यादव और अभी अभी वो अरेस्ट हो गए हैं। ये प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है और प्रशासन सबको पकड़े और ये आप सभी की ताकत है और आप सभी का मेहनत है, इस सबके लिए आप सभी को धन्यवाद दिल से। और आरती भवन को आने वाले समय में जो 4-5 आरोपी और बचे हैं वो भी पकड़े जाएंगे और ऐसे ही आवाज बुलंद रखिए और अपराधी को पकड़वाइए, प्रेम प्रसंग मत दिखाइए, सिर्फ अपराधी को पकड़वाइए, प्रेम प्रसंग मत दिखाइए। भाई साहब हम लोग बाकी कुछ नहीं, पूरा प्रयास होगा, पुलिस अपना काम कर रही है, पकड़ा गया है पुलिस, ये पुलिस का सबसे अच्छा कदम है और इसके लिए सहारा जाएगा और ये प्रशासन जो भी कदम उठाया बहुत अच्छा एकदम। मीडिया वाला को सराहनीय बात है, जो मीडिया वाला अगर नहीं चाहता तो प्रशासन की आँख नहीं खुलती, क्योंकि प्रशासन
जब सो जाती है तो उसको जगाने वाला खरदूसन का नींद को तोड़ने वाला कोई नहीं रहता है। एक मीडिया वाला ऐसा है जो दबे हुए कंगाल को वो निकाल करके फेंक देता है, कड़ी से कड़ी सजा मीडिया वाला दिलाता है, वो ताकत बार एक मीडिया वाला है ऐसा है। आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग अधिकारी हों, आला अधिकारी हों और इस मामले पे संज्ञान लें और निरंतर इस पे जो भी जांच हो के जो एक्चुअल रिपोर्ट हो, जो भी सच है वो निकाल के लाएं। बताइएगा कि 12-2 बजे जाने जो ये जो है, इस चीज को आप कितना सही कहते हैं? देखिए 12-2 बजे जो गया होगा तो इसका मतलब है कि वो लड़का कोई नजदीकी में होगा, सुनते हो लड़का को वहाँ ननिहाल था, तो उसी कारण से कारण कोई और होता होगा जो जाएंगे हम अपने मामा के घर, एक बहाना होगा अपना परिमिका से मिल भी लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक मिनट सुनिए सर, सुनिए सर एक मिनट, हम गलत नहीं बोलेंगे, हम गलत नहीं बोलेंगे। उसका भाभी का बात जहाँ तक आता है, हो सकता है शादी का झांसा देख करके भाभी बुलाया होगा प्राइवेट में, ये लोग यहाँ पर जो स्वतंत्र रोप करके जो है रख लिया होगा हथियार को अलग में, जो बात ये जो है सो आरती नहीं जान पाई होगी। ठीक है, अगर आरती को पहले भनक लगता कि वो आएगा, छोटू को बुलाने वाला है, छोटू आएगा उसको मार देगा, तो कभी आरती उसको आने नहीं देता। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम आरती की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटू की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी लड़के को किसी प्रेमिका के घर 12-2 बजे रात में जाना, इस चीज को आप कैसे देखते हो? बस ये मेरा क्वेश्चन, मैं किसी आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए 2 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे रात में जब गया है तो उसका घर का परिवार बुलाया तब न गया, विश्वासजनक बात था, उस पर विश्वास था जो हम जाएंगे तो बढ़िया बात होगा, इसलिए न गया। अगर वह जनता की पॉजिटिव नहीं होकर के निगेटिव होता तो लड़का नहीं जाता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आरती के घर वालों को पहले से पता था कि इन लोग? एकदम पता होगा, एकदम 2 साल से प्रेम प्रसंग चलता है तो क्या घर के लोग नहीं जानेगा आज मेरा बेटी कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है? अभी आप आरती से मिल के आई, तबीयत कैसी उसकी? आप ना, तबीयत उसका बहुत खराब है, एकदम रोते रोते उसका जो हालत बेहाल है। आरती का एक ही बात कहना है जो हम उनको पूछे जो शादी कीजिएगा, तो बोले हम शादी नहीं करेंगे, उसी पर हम विधवा बन के रहेंगे, यहाँ न्याय नहीं, अगर उसको नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री के दरवाजा जाकर खटखटाएंगे, उसका शरण में जाएंगे, तब जो होगा देखा जाएगा। हमको जो बोलिए वही बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। मेरा परिचय तो आपने लिया, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है ललिता देवी, मेरा घर छातापुर है और हम पूर्व सरपंच हैं और हम सोशल वर्कर का काम करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, गांव में नहीं, बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से इसी तरह से अगर कोई दबे कुचले रहते हैं, देखते हैं कोई उसको नहीं है, उसका पीठ पर हम रहते हैं।